एवरीवन, स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस की एक और नए वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि कल जो हमने आपको स्टॉक प्रोवाइड किए थे वो कैसा परफॉर्म करे आज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा 26 तारीख का इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसके लिए कौन से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्टॉक निकल के आए हैं जिसमें कल अच्छी मूव आ सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले टाटा मोटर्स 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपके सामने ओपन हो रखा है। ये हमने आपको सेल के लिए प्रोवाइड किया था आज। 519 के लेवल के नीचे 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, उसके बाद इसको हम सेल करेंगे। अगर आपको याद है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अच्छी स्ट्रॉन्ग बेरिश बनी और सेकंड कैंडल में इसमें हमने एंट्री बनाई 9:20 की कैंडल पे। 515 पे इसको हमने सेल करा और हमने आपको कल SL भी बताया था कि आप इसमें 2.5 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स SL रखेंगे। 2.5 पॉइंट का हमने इसमें SL रखा, आप इस टूल में देख सकते हैं, और 1:2 के लिए हमने इसे प्लान किया। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आधे घंटे से भी जल्दी इसने 1:2 का टारगेट हमें यहाँ दे दिया। दूसरा स्टॉक था हमारे पास वेदांता, हमने आपको बाई के लिए दिया था 293 के लेवल के ऊपर। काफ़ी लेट इसमें एंट्री ट्रिगर हुई हमारी, आप देख सकते हैं इसका टाइमिंग नीचे आ रहा है 12:15 पे। 12:15 पे हमें इसमें एंट्री ट्रिगर हुई 293 के ऊपर, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद इसमें हमने एंट्री बनाई, 1 पॉइंट का SL रखा और आप देख सकते हैं मोर देन 1:3 का टारगेट इसने एक सिंगल साइड इसने हमें दे दिया। तो दूसरे स्टॉक में भी हमारा टारगेट हिट हुआ। तीसरा स्टॉक हमने आपको दिया था UPL का, अनफॉर्चुनेटली UPL में हमारा SL हिट हुआ। 684.50 के ऊपर हमने आपको बाई के ये दिया था इसमें, और 3.5 से 3 रुपए का इसमें हमने आपको SL दिया था। और आप देख सकते हैं 5 मिनट की सेकंड कैंडल इसके ऊपर गई, लेकिन इसमें थोड़ी सी चूक ये हो गई मुझसे कि 684.50 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, और मैंने ये अर्ली एंट्री लेने की कोशिश की कि मुझे ऐसा लगा कि ये शूट ना कर जाए यहाँ से, और इस चक्कर में अनफॉर्चुनेटली हमारा इसमें SL हो गया। तो फिर भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हैं कि हम 1:2 को फॉलो करते हैं, पर आप देख सकते हैं 2 में हमें 1:2 से ज़्यादा का टारगेट मिला, और ऑलमोस्ट वेदांता में तो हमें 1:3 से ज़्यादा का टारगेट मिला। तो एक्यूरेसी आपको समझ आ रही होगी। अगर आपने इनमें से किसी भी स्टॉक में ट्रेड करी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए कल जो ट्रेड में अच्छे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलते हैं वो स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक आया है हमारे पास DLF, जो कि बाइंग के लिए आया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने DLF का चार्ट ओपन हो रखा है। आप देख सकते हैं 480 इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। लेवल मैंने आपके लिए आज ऑलरेडी लिख के रखे हैं, एंट्री अबव 480 करनी है आपको, SL 478 जो कि 2 पॉइंट का SL रखना है इसमें। टारगेट 1 हमारा आएगा 485 का और टारगेट 2 आएगा हमारा 487.50 का। थोड़ा सा मैं ग्लिम्प दे देता हूँ आपको कि कैसे ट्रेड करना है आपको। कल DLF अगर फ्लैट खुलता है और अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है 480 के ऊपर, एक 5 मिनट की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हो जाने दीजिएगा, उसके बाद 480 के ऊपर बाई करिएगा। पहला ट्रेड मिलेगा जो कि टारगेट सीधा सीधा मिलेगा हमें 485 का, और दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 487.50 का। ये 2 टारगेट कल हम DLF में देख रहे हैं जो ईजिली हमें मिल सकते हैं, लेकिन कल DLF अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम इसमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दूसरा स्टॉक आया है हमारे पास बायोकॉन, जो कि डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन हो रखा है। आप देख सकते हैं ये 260 के ऊपर काफ़ी बड़ा 7 से 8% का गैप अप खुला, और पूरा सेम डे पे इसने पूरा अपना गैप फिल कर दिया, और ये 7 से 8% जो भी इसमें स्पाइक आया था वो पूरा स्पाइक एक तरीके से ये कह सकते हैं ख़त्म हो गया। तो ये एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास था, और ये थोड़ा सा इसमें रिवर्सल काइंड ऑफ दिख रहा है हमें। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसके लेवल मैं आपको बताता हूँ कि बायोकॉन आप इसको कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसका एक सपोर्ट एरिया है 240 का, तो कल अगर ये अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड तो इसमें कल एक अच्छी मूव हमें मिल सकती है। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है, एंट्री बिलो 239, जब ये 240 से लेकर 239 का जो इसका सपोर्ट एरिया है इसे ब्रेक करेगा, 5 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी, तो इसमें हम लेंगे एक सेल की ट्रेड, जो कि इसका पहला टारगेट हमें दे के जाएगी सीधा सीधा 237.50 का, और दूसरा टारगेट हमें दे जाएगी ये 234 का। इसमें SL रखेंगे हम 240.50 का, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 पॉइंट का आता है। आप प्रीवियस स्विंग के पास भी अपना SL रख सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है हमें इसे तुरंत इग्नोर कर देना है। फ्लैट खुल के जब ये अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा तभी हमें इसमें सेल की ट्रेड इनिशिएट करनी है।
तीसरा स्टॉक आया है हमारे पास टेक महिंद्रा, जो कि 15 में टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन हो रखा है। 1100 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और वो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी है, उसी के पास ये ट्रेड कर रहा है। आज इसने इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है और अपने 1100 के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है, 5 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ क्लोज कर देता है, तो इसमें हम एक बाय की ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट इसमें हमें ये देखे जाएगा सीधा सीधा 1110 का, जो कि होता है 10 पॉइंट का, और टारगेट 2 के लिए हम इसमें प्लान करेंगे अगर 1110 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो 1118 जो कि 8 पॉइंट और ऊपर का टारगेट इसमें हमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को ये बहुत टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा था और फाइनली आज इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, उसका ब्रेकआउट दिया है। तो कल टेक महिंद्रा में एक अच्छी मूव आ सकती है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि IT सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसके साथ के स्टॉक जैसे HCL टेक, इंफोसिस, विप्रो, ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप सेक्टर को भी अच्छे से ध्यान देंगे तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये थे आज के 3 स्टॉक जिसमें कल अच्छी मूव आ सकती है। आई होप आपको तीनों स्टॉक के लेवल अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।